If you want to get a yellow fever vaccination and you don't have any idea how to get an appointment and uh, what are the procedures for the yellow fever vaccination, then this video is for you. In this video, I am going to tell you how to get an appointment, what are the procedures, and also I am going to share my experience with you so it will help you in your journey. So, kindly watch this video till the end and you will get a very good experience uh, with your yellow fever vaccination. ज विस एजे एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डॉक्यूमेंट विध एज एंड इसम बात करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फर्स्ट सेलिंग से पहले या आगे भी जो आपकी जर्नी होगी तो उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए तो आज हम बात करने वाले हैं येलो फीवर वैक्सीनेशन के बारे में जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अगर मैं बात करूं येलो फीवर की तो ये एक इंफेक्शन है और ये एक स्पेसिफिक स्पीसीज होती है मॉस्किटोज की जिसके द्वारा ये येलो फीवर फैलता है और ये मॉस्किटोज बड़े कॉमन है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में तो इसके लिए हमें ये वैक्सीन लगानी पड़ती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वैक्सीनेशन आपका हो जाता है ठीक है तो बिफोर सेलिंग आपको ये येलो फीवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो यहां पर वेज जिससे आप येलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू टेक द अपॉइंटमेंट फॉर येलो फीवर वैक्सीनेशन सो ये पहला प्रोसीजर है दूसरा मैं आपको बताऊंगा उसमें डायरेक्ट आपको मेल करना बट जो ये पहला प्रोसीजर है अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हो तो आपको इसी वे में यहां पर अपॉइंटमेंट लेनी है तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है गूगल क्रोम पे गया हूं मैं एंड यहां पर मैं डाल रहा हूं ओ आर एस डॉट जी ओ वी डॉट इन ठीक है तो जैसे कि मैं इसे सर्च करता हूं तो ये पेज ओपन हो जाता है मेरे सामने एंड यू कैन सी हियर दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ओ आर एस एंड यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपॉइंटमेंट ले सकते हो तो हमें करना है क्या है बहुत यहाँ पर आपको साइट्स मिलेंगी बट प्रॉब्लम होती है ठीक है उन्हें ढूंढने में तो सबसे पहले हमें क्या करना है सिंपल सा यहाँ पर हमें जो ये बुक अपॉइंटमेंट है तो इस पर क्लिक कर देना है जैसे मैं बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक नया पेज खुल के आएगा एंड इसमें बहुत सिंपल्स है आपका जो भी यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में या आपकी जो भी प्लेस है सिटी है वहाँ येलो फीवर सेंटर है या नहीं है तो यहाँ पर आप गूगल पर डालिए येलो फीवर सेंटर्स तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स मिलेंगे और आप किस इस हिसाब से चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ येलो फीवर की वैक्सीनेशन लगती है तो पहले आप चेक कर लो ठीक है जैसे कि मैं देहरादून में रहता हूँ देहरादून में अवेलेबल नहीं है तो आपको दिल्ली आसपास देखना पड़ेगा कौन सी सिटी है तो दिल्ली जस्ट सिटी है ठीक है तो मैं दिल्ली में देखूँगा कौन कौन से अवेलेबल हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको स्टेट और आप सिटीज़ मिल जाएंगी ठीक है तो आप उस हिसाब से चुन सकते हो तो यू कैन सी ईयर डॉक्टर आर एम एल हॉस्पिटल ए पी एच ओ भी है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दिल्ली में अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ ठीक है अब उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट से ठीक है आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट ए आई एम्स के लिए भी कर सकते हो और डिफेंस ए एफ एम एस में भी कर सकते हो तो अभी मैं स्टेट से कर रहा हूँ स्टेट से यहाँ पर मैंने दिल्ली पर क्लिक कर दिया ठीक है तो अभी मुझे बताएगा दिल्ली में कौन कौन से हॉस्पिटल अवेलेबल हैं अब इनमें से मुझे एक को चूज़ करना है ठीक है अब ये जब सेंटर दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए उस सेंटर में येलो फीवर वैक्सीनेशन भी है ठीक है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर आर है हॉस्पिटल और एयरपोर्ट ए भी अवेलेबल है ठीक है तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ डॉक्टर आर हॉस्पिटल जो है न्यू दिल्ली का तो उस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ नाउ यू कैन सी ईयर अपॉइंटमेंट के लिए एक नया पेज आपके पास ओपन हो चुका है एंड uh, मैं चेक करूंगा तो अपॉइंटमेंट फिजिकल यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास एक है फिजिकल कंसल्टेशन विद डॉक्टर एक है ऑनलाइन कंसल्टेशन तो मुझे क्या करना है फिजिकल कंसल्टेशन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास फिर से आएंगे न्यू अपॉइंटमेंट फॉलो अप अपॉइंटमेंट अगर आपका पहला अपॉइंटमेंट है तो न्यू अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक कर दोगे अदरवाइज दूसरे पे अगर आप दूसरी बार जा रहे हो तो वो फॉलो अप के लिए तो न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक कर दूंगा तो जैसे मैं न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपॉइंटमेंट uh, आ जाएंगी किसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो यू कैन सी हेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे आई के लिए हो गया ई एन टी के लिए हो गया बहुत है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं नीचे जाऊँगा एकदम लास्ट में और मुझे यहाँ पर दिखेगा येलो फीवर वैक्सीनेशन ठीक है तो आप देख सकते हो येलो फीवर वैक्सीनेशन का यहाँ पे है तो मैं येलो फीवर पे क्लिक कर दूंगा तो जैसे ही मैं येलो फीवर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर अवेलेबल डेट्स और ये सारा आ जाएगा आपके पास तो ये कैलेंडर आपके पास आ चुका है डॉक्टर आर एम एल हॉस्पिटल का ठीक है ग्रीन वाला अवेलेबल है रेड वाला नॉट अवेलेबल हॉलीडे ये आपका ऑरेंज का हो गया ठीक है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मई में तो कोई अपॉइंटमेंट है नहीं तो मैं जाऊँगा जून पे तो जून पे जैसे मैं जाता हूँ तो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्लॉट दिखेंगे आपको फ्यू स्लॉट्स अवेलेबल और यहां पर नंबर भी दिया गया है ठीक है कौन सी डेट को है और कितने अवेलेबल बचे हैं जैसे यहाँ पे फ्यू स्लॉट्स अवेलेबल लिखा है तो यहां पे कम होंगे ठीक है और जो ग्रीन ग्रीन है यहां पे अवेलेबल हैं अब देखो आप अगर अगले महीने के लिए भी करोगे तो आपको वहां भी ये मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो ठीक है तो आपको जब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा तो यहां पर तो जैसे ही मैंने खोला तो ठीक है सपोज मैं पंद्रह के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ तो मैं फिफ्टीन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा हॉस्पिटल डॉक्टर आर एम एल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट येलो फीवर मोड अपॉइंटमेंट कंफर्म अपॉइंटमेंट ऑन फिफ्टीन जून ठीक है तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया है एंड यहाँ पर सेलेक्ट uh, कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट एंड गेट ओ तो यहाँ पे आपको अपना ओ डालना है तो ये मैंने ओ डाल दिया है एंड लॉग कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन आ, आ गया है कि यू कैन रजिस्टर सिक्स मेम्बर्स विद वन मोबाइल नंबर तो यहाँ पर मैं रजिस्टर मेंबर पे क्लिक कर दूँगा ठीक है और आ, अब आपको अपने स्टेट डालना है कहाँ से हो आप जैसे कि मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड ठीक है तो उत्तराखंड डाल दिया फिर ये चीज़ें हैं तो आप ये डाल सकते हो जैसे नो कर दिया डू यू वॉन्ट टू क्रिएट नो ठीक है स्टर यूजिंग नो तो उसके बाद आप ये आ, आपको ये जो भी है ठीक है ये डिटेल्स आपकी भरनी पड़ेंगी जैसे कि इनिशियल हो गई मिस्टर अपना नेम आपका मिडिल नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ मंथ एयर रिलेशन ठीक है और गार्जियन जो भी है तो ये आपको बस ये फॉर्म फिल करना है एंड देन सबमिट करना है उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस तारीख के लिए तो जैसे आप सबमिट करोगे फिर आपको अपॉइंटमेंट का वो मेल आ जाएगा ठीक है आपको या मोबाइल नंबर पे आपको बता देगा कि ये कंफर्म हो चुका है एंड देन आपको उसी तारीख को वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए जाना है सो so यही था पहला प्रोसीजर और अगर आप इंडिया की कहीं भी कोई सी प्लेस में रहते हो कोई भी सिटी में रहते हो तो आप इस प्रोसीजर से यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हो सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोसीजर और जो ये प्रोसीजर है ये ए पी एच ओ हॉस्पिटल जो आपका दिल्ली में एयरपोर्ट के पास तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है ठीक है तो इसमें आपको करना है कि आपको डायरेक्ट मेल भेजना है एंड वो आपको बता देंगे ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन वो इस मेल से ही कर देंगे तो इसमें आपको बताना क्या क्या देखो वैसे मैं जो ये ई मेल एड्रेस है ये मैं नीचे आपको मैंशन कर दूंगा जिससे आप बाद में वही ई मेल एड्रेस पर अपना मेल भी भेज सकते हो ठीक है तो रेस्पेक्टेड मैम सर ठीक है उसके बाद आपको बताना क्या कि अपना नाम बताना है और आपको बताना है कि कौन से डेट को आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और किस वैक्सीनेशन के लिए तो जैसे कि मैंने लिखा है आई अजय खाती वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ येलो फीवर वैक्सीनेशन बिटवीन दिस एंड दिस डेट ठीक है तो उस हिसाब से आप बता देना अब एक डेट को पॉसिबल नहीं है तो उस हिसाब से एक रेंज बता देना एक हफ्ते की हो सकती है वो ठीक है तो जैसे मैंने एक अप्रैल से पाँच अप्रैल में लिखा हुआ है तो इस हिसाब से आपको एक रेंज बतानी होगी एंड परपज़ बताना है कि आप जैसे कि आप सी फेयर हो या मर्चेंट ने हो तो ये आप को ये पर्पज़ बताना है और आपको अपना पासपोर्ट अटैच करना है ठीक है क्योंकि पासपोर्ट मैंने बताया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है जब वेलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हो तो आपको दिखाना होता है तो आप अपना पासपोर्ट दिखाओगे वहाँ तो उससे पहले पासपोर्ट आपको नीचे फिक्स करना है ठीक है एक पीडीएफ फाइल में वहाँ पे सेंड कर देना है साथ ही साथ पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना ठीक है और आप इसे भेजोगे वैसे टाइम लग सकता है तो कभी कभी लेट भी रिप्लाई वो करेंगे तो दूसरी बार भी ये आप भेज सकते हो डायरेक्ट कि आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाए तो कुछ दिन बाद उनका ये रिप्लाई आया था और ये रिप्लाई अब मैं आपको पढ़ा पढ़ के सुना देता हूँ तो आप देख सकते हो योर रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन इज़ कंफर्म फॉर फोर अप्रैल ठीक है तो मैंने एक रेंज दी थी उसमें उन्होंने चार को अवेलेबल स्लॉट्स थे तो उन्होंने उस टाइम पे वो रजिस्टर कर दिया है ठीक है एंड आप देख सकते हो टाइमिंग वहाँ पर दी गई है साढ़े से आपको साढ़े तक यू you नो know, आपका जो अपॉइंटमेंट टाइम है तो वैक्सीनेशन टाइम है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है एंड उसके नीचे नीचे सारे प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं ठीक है और एक्स एलर्जी है तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हैं साठ से ऊपर हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी साथ में वो आपका बताया हुए, बताया हुआ डिस्ट, है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड सैनिटाइज़र तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले से लिखी गई हैं अब ये मेल आ तो गया है लेकिन इससे पहले आपको करनी होगी पेमेंट जो है आपके तीन सौ ठीक है अब वो कहाँ से करोगे अब यहाँ पर सब आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शंस जो कि है भारत कोश डॉट जी ओ वी डॉट इन इसके अंदर आपको जो आपका एन टी आर पी पोर्टल है तो वहाँ आपको क्विक पेमेंट यहाँ पर कर देनी है तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है तो उस हिसाब से आपको करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन इस हिसाब से डालना है ठीक है यू नीड टू चूज सेलेक्ट ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके हिसाब से नीचे ए पी एच ओ डालना है पर्पज़ डालना है ठीक है सेम टू तो सेम आपको ऐसे डाल देना है और आपको यहाँ पर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी ठीक है और वो पेमेंट आपको प्रिंट करके वहाँ ले जानी होती है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो मैंने एक चीज़ देखी थी साइट पे वो है जो आपको कैप्चर जब डालना होता है तो वो कैप्चर बार बार आप सही भी डाल रहे हो लेकिन वो गलत बताता है ठीक है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है आप बहुत बार कोशिश करोगे तभी ये होगा ये एक बारी में नहीं होगा बिलीव मी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसमें तो आप यू नो ट्राई करते रहना ठीक है अगर नहीं हो रहा है फिर भी ट्राई करते रहना एक ना एक बार वो हो जाता है और स्पेशली वो दिन के टाइम में हो जाता है और ना कैप्चर का बहुत बार ये गलत दिखाएगा

इसमें एक ये फ़ायदा है एपीएचओ से करने का कि आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो काफ़ी जल्दी मिल जाएगी एक हफ्ते के अराउंड मुझे मिल गई थी चार अप्रैल को और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे बी के प्रैक्टिकल्स भी थे एक दो को तो उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैं दिल्ली चले गया सुबह और मैं साढ़े बजे के आसपास पहुँच गया था ए के बाहर ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नहीं था वो ऑफलाइन मतलब पेपर नहीं था प्रिंटेड पेपर नहीं था कॉन्सेंट फॉर्म का आ, तो वो आपके पास होना जरूरी है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें तो मैं जल्दी पहुँच गया था साढ़े आठ बजे तो मैंने पहले सोचा उसको प्रिंट कर लेता हूँ तो वहाँ पर एक जी रेटिंग वाला भी एक बंदा था ठीक है वो भी आ गया था तो हम साथ में ही गए और साथ में ही यहाँ पर पहले फॉर्म प्रिंट कराने गए ठीक है तो उस टाइम पे मैं फॉर्म भर रहा था अजय खाती मैंने लिखा था उसने देखा था और बहुत टाइम से हम एक साथ यू नो बातें करके जा रहे थे और फिर यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने बैठे तो उस टाइम पे मैंने मास्क कैसे निकाला तब उसे पता चला कि मैं जगह दूँ ठीक है तो वो एकदम ही शौक हो गया तब से मुझसे बात कर रहा था बट यस सो हाय अगर तुम वीडियो देख रहे हो आ, तो उस तो हम फिर साढ़े नौ के अराउंड ए पी के बाहर आ गए और हमने देखा वहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो वहाँ पर हमने देखा कि जल्दी जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा तो हम लाइन में लग गए और काफ़ी यू नो you know, लकी थे हम कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम पर बट थोड़ी देर बाद और ज़्यादा भीड़ आ गई थी और जैसे ही आप लाइन में लगते हो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आपका पासपोर्ट देखेगा आपका कंसेंट फॉर्म और आप फी रिसिप्ट और आधार कार्ड ये सारे दिखा देना ठीक है और जैसे आप दिखाओगे तो उसके बाद वो आपको अंदर एंट्री कर करा देगा फिर वहाँ पर आपको एक टोकन मिलता है और ये टोकन क्यों इंपॉर्टेंट है देखो तुम्हारा जो बैच बनेगा ना जिसको येलो फीवर वैक्सीनेशन पहले बैच में लगेगी तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर होगा मान के चलो बीस है तो उस हिसाब से आपको टोकन मिलेंगे जो पहले जाएगा उसको एक मिलेगा जो बाद में जाएगा उसको दो मिलेगा ऐसे में ठीक है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप पहले बैच में हूँ जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा तो मेरा सात के राउंड नंबर था और मैं पहले ही बैच में था तो उसमें वैसे मेरे कुछ कैडिट्स भी आए थे ठीक है मतलब मेरे दोस्त भी थे वहां पर तो हमने क्या किया वहां पर फिर एक वेटिंग रूम में आपको बैठा देंगे वेटिंग रूम तो नहीं बोलूंगा बट एक एक, you know, जो starting का यू नो जो स्टार्टिंग काउंटर होता है तो वहां पे हम बैठ गए थे एंड फिर वहां पर हमें अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर बताना था उसके हिसाब से फिर हम वहां पर फिर हम बैठ गए थे और जो पहला बैच था वो बन गया था और पहले बैच को फिर हमें वेटिंग रूम में एक भेज दिया था तो वहां पर हमें वेट करना था हमें वहां पर लाइक कोविड प्रोटोकॉल्स का काफी ध्यान रखना था मास्क पहन के रखना पड़ रहा था और साथ ही साथ वहां पर आपको लाइक मैनुअल्स मिलेंगी जिसमें आप पढ़ सकते हो येलो फीवर वैक्सीनेशन के बारे में क्या प्रिकॉशंस हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और वहां पर ये सारे इंस्ट्रक्शन और जो भी चीज़ें हैं वो सारी बता दी जाएंगी आगे से और डॉक्टर एक बार आपको बता देगा ठीक है तो वहां पर हम बैठे थे और साढ़े दस अराउंड बज चुके थे लेकिन वहां पर वेटिंग काफ़ी थी वेट करना पड़ता है ठीक है मे बी वैक्सीनेशन लाने में टाइम लगता हो या प्रिपेयर करने में टाइम लगता हो जो भी है तो वहां पर आपको बैठना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक जो कि कह सकता हूँ डेढ़ घंटे भी आप बैठ सकते हो तो हाँ बारह के अराउंड फिर हमने बताया कि आप, आप आ सकते हो और फिर आपको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है तो, तो दस दस के बैच में आपको यहाँ पर येलो फीवर वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा और काफी ईजी है ठीक है वैक्सीन लगती है और उसके साथ साथ आपको यहां पर यह सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है ये सर्टिफिकेट आपको खुद से भरना होता है और आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे आपको भरना है ठीक है और जैसे ही आप ये भर लोगे आपको वैक्सीन लगेगी एंड जैसे आपको वैक्सीन लगेगी तो आपको बोलेंगे तीस मिनट आपको रेस्ट करना है और आप जहाँ से आए थे मतलब जो रेस्ट रूम था तो वहाँ पर आप तीस मिनट रेस्ट करोगे और आप यहाँ पर पिक्चर्स जैसे देख ही सकते हो तो आप रेस्ट जैसे ही करोगे फिर उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने सबसे पहले यहाँ पर टाइम से थोड़ा पहले आए जिससे आपको लाइन में लगना ना पड़े ज़्यादा ठीक है आ, स्टार्टिंग से वैसे लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी तो आपका बैच पहले में आना चाहिए जिससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा दूसरा यहाँ पर खाली पेट बिल्कुल वैक्सीन ना लें तो कुछ खा के आए जिससे यहाँ पर आपका आ, कोई प्रॉब्लम ना आए तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें इन दोनों चीज़ों का और आगे की जो जर्नी है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप येलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले हो और प्रोसीजर जो मैंने आपको बताएं पहला दूसरा ठीक है अगर दिल्ली के राउंड रहते हो तो आप डायरेक्ट ए को भेज सकते हो अदरवाइज ओ वाला आपके पास ऑप्शन तो है ही तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो आपकी येलो फीवर वैक्सीनेशन के टाइम पे और इस सीरीज़ में मैं सारी चीज़ें लाते रहूंगा जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि आपका येलो फीवर का तो हो गया है एस का हो गया आपका सी का हो गया और जो भी और आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उन पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आपकी लाइफ यहाँ पर कैडेट की एक जो लाइफ है काफ़ी ईजी हो जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में